हॉस्टल के कमरे में छात्रा का शव बरामद, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। रेलवे ट्रैक पर मिली आरोपी की लाश। दक्षिणी मुंबई के चर्च गेट इलाके में मंगलवार को 18 वर्षीय युवती का महिला छात्रावास के कमरे में शव बरामद किया गया, जबकि मामले में आरोपी व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर मृत पाया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या की जाने की आशंका है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित युवती बांद्रा में एक सरकारी पॉलिटेक्निक की छात्रा थी। मरीन ड्राइव स्थित महिला छात्रावास की रह रही थी। उन्होंने बताया कि शाम 5 बजे के आसपास पुलिस के अलर्ट किया गया है, लेकिन छात्रावास के कमरे में के बाहर से ताला लगा हुआ था। जब ताला तोड़कर पुलिस टीम ने कमरे में प्रवेश किया तो छात्रा को मृत पाया गया। छात्रा के गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था। अधिकारी ने कहा है कि इस मामले की संदिग्ध हॉस्टल का एक सुरक्षा गार्ड सुबह सुबह रेलवे ट्रैक पर मृत पाया गया है। उन्होंने कहा है कि मरीन ड्राइवर पुलिस स्टेशन में हत्या का केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।